हेलो गाइस, आज हमारी दादी हमें सिखाने वाली है केरी का अचार, जो हम सबको बहुत ही पसंद है घर पे। तो आइए सीखते हैं दादी से। आधा किलो अचार बनाने के लिए हमने 350 ml सरसों का तेल लिया है। इसे थोड़ा गर्म होने के लिए रख देंगे। तेल अब अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब हम इसे बंद कर देंगे। हमने 5 या 6 मिनट तक इसे गर्म किया है। आधा बड़ा चम्मच हमें सौंफ का लेना है और इसे धीमी आंच पर पकाना है। हम अब 1.5 चम्मच मेथी दाना का लेंगे और इसे धीमी आंच में सेक देंगे। अब हम 1.5 चम्मच राई की दाल को भी धीमी आंच पर सेक देंगे। अब हम सारी सामग्रियों को मिक्सी में पीस लेंगे। इसको दरदरा होने तक पीसना है। आप देख सकते हैं ये कितना दरदरा सा हो गया है। तो सबसे पहले हम अचार की केरियां डालेंगे। 2 चम्मच हल्दी डाल देंगे। 4 चम्मच। अब हम 4 चम्मच नमक डालेंगे। चार चम्मच मिर्ची डालेंगे। जो मसाला हमने पीसा था दरदरा, उसको हम सारा का सारा डाल देंगे। और आधा छोटा चम्मच हींग का डालेंगे। अब इन सबको एक साथ करेंगे। इसमें कम ज्यादा भी डाल सकते हैं मसाला वगैरह। अब हम सरसों का तेल डालेंगे जो हमने गरम किया था। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मिक्स करने के लिए ही डालेंगे। जितने सारे मसाले मिक्स हो जाए उतना ही डालेंगे। गुल जाए जितना ही डालेंगे। ये देखो मसाले थोड़े थोड़े घुल रहे हैं। इसे 24 घंटे के लिए गलने के लिए रख देंगे। 24 घंटे के बाद हम कोई भी कांच की बरंडी या फिर चीनी की बरंडी में से भरकर और उसके अंदर 2 उंगली जितना हम तेल डाल देंगे। 24 आवर्स के लिए ढककर रख दिया था। अब हम इसके अंदर तेल डालेंगे। हमें तेल इतना ऊपर तक आ जाए तब तक डालना है। हमारा अचार रेडी है।